कार, बीवी, दोनों, फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ, दोनों को छोड़ के आया गुजरात में। हेलो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर ले और एंजॉय करें मेरे सारी वीडियोज। और हाँ, वीडियो देखने के साथ लाइक करें वीडियो को और भाई को अपना प्यार दें। वेलकम बैक टू विल्स एंड एक्स। सो कैसे दोस्तों, तो टाइटल पढ़ के तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और अभी जो टाइम है ना, शार्प 12 o'clock नाइट। सो ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो बोला ऐसा बोल रहे हैं कि हमको तो टाइम ही नहीं होता, हमको तो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता, हमको तो वर्कआउट करने का टाइम नहीं होता, हमको तो अपना जो हॉबी है, जो अपना पसंद हम करते हैं, जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, वो करने का हमको टाइम ही नहीं होता। और मुझे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप तो बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा ये कर रहे हो। मैं बोला देखो भाई, एंजॉय करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। और मैं भी बहुत सारा अपने लाइफ में बहुत सारा ऐसे टाइम भी निकाल दिया जो फालतू था, जो कोई मीनिंगलेस था, ऐसा टाइम मैंने भी निकाला है। लेकिन ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, जो मैं अभी यूट्यूब में आया हूँ अभी, ये आई थिंक ये मेरा काम था और ये मुझे पहले से करना था जो मैं अभी आया हूँ। सबका अपना अपना टाइम आता है, फिर वो जगह पर पहुँचते। तो मुझे शायद अभी टाइम आया, तो अभी मैं यूट्यूब में आया। सो ये रात को 12 बजे अभी मैं इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ अभी मैं घर पे अकेला हूँ। अरे अकेले से मैं आपको बोलना भूल गया। हाँ, सो अकेले में मैं हूँ। और मैं लास्ट वीडियो आपने देखा, मैं गुजरात गया था। सो वहाँ से मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत 3-4 दिन हो गए ऑलरेडी। सो ऑफिस में कुछ काम था तो मुझे इमिडिएटली आना पड़ा। और कार, बीवी, दोनों, फर्स्ट वाइफ और सेकेंड वाइफ, दोनों को छोड़ के आया गुजरात में। पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और इस तरह अलग कर लें। कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर यह नकाब अपने आप पीछे। फुल गाइड टू द रियर स्टेप इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। योर क्लोजेस्ट इमरजेंसी एग्जिट मे बी बिहाइंड यू। ये वीडियो बनाने का ये मकसद है, आपको कुछ वे नहीं मिल रहा है कि हम कैसे करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। और सो ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, शायद आपको कुछ मिले या ना मिले, बट मैं दिखाना चाहता हूँ मैं मेरा टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। मेरे माइंड में मैं शेड्यूल बना लेता था कि मुझे ये काम करना है, ये टाइम से ये टाइम में ये काम करूंगा। सेकेंड काम के लिए कुछ टाइम मेंशन करता था, एक प्रोग्राम बन जाता था जो माइंड में सेट होके रहता था हमेशा। ये वीडियो में भी थोड़ा कहीं पे स्पीड अप होगा, कुछ होगा, क्योंकि आज के रात के 12 बजे से कल के रात के 12 बजे तक मेरा दिन मैं कैसे निकालता हूँ वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो में। ऐसा नहीं कि आप, मैं कुछ एक्सपर्ट हूँ, कुछ हूँ, कहीं पे ट्रेनिंग लिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नॉर्मल हूँ, मैं आज तक कहीं से ट्रेनिंग लिया नहीं हूँ। ये मेरा सेल्फ मोटिवेशन है कि मैं एक्सरसाइज खुद करता हूँ। भाई भयंकर वाली नींद आ रही है मुझे, मैं जाता हूँ भाई सोने को। ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, जस्ट टाइम हुआ 12:52।
देखता हूँ ना कि मुझे ऐसा फील होता है। सो मैं कभी भी आके ऐसा स्क्रीन खोला, बाहर देखा, तो जो आलसपन है, जो लेजीनेस है, वो चला जाता है। देखिए ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ रेडी है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नॉर्मल दिन की तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे पास बर्तन भी पड़े हुए हैं, उसको भी करना पड़ेगा। कुछ आवाज में कोई डिफरेंस आया तो मैं खा रहा हूँ ना बादाम, इसीलिए खा लेता हूँ। जैसे आज रूटीन में लेमन वाटर पिया और ये एलमंड्स खा रहा हूँ, देन चाय पीऊंगा, झाड़ू भी करना है। सो इतना सारा बर्तन अभी मैं साफ किया, काफी आधा घंटा लग गया मुझे। इतना सारा बर्तन मेरे अकेले की, क्योंकि मैं खाना अच्छे से बना लेता हूँ, ऐसा नहीं अकेला हूँ तो खाना नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं है, खाना बना के अच्छे से खाता हूँ। और आज है रिपब्लिक डे, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू माय ऑल व्यूअर्स, टू माय ऑल इंडियंस, टू माय ऑल फ्रेंड्स, एंड वेलकम बैक टू विल्सन आइस। अभी चाय हो रहा है तैयार। चाय भी तैयार, चाय के साथ ये पापड़ी जो मेरा रोज का खाना है, सुबह चाय के साथ ये मेरे को चाहिए। ये कंपल्सरी ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। सो ये जो है स्पेशल मोमेंट है, जो परेड होता है। जब हम छोटे थे तो स्कूल से मैं भाग के आता था, स्कूल का फ्लैग होस्टिंग हो जाता था, और फिर दौड़ के आता था कि ये मैं देख सकूं। आज तक कभी लाइव तो देखा नहीं, ले टीवी में कभी भी आता है ना, मैं ऐसा कुर्सी डाल के बैठ जाता हूँ और ये मोमेंट को बहुत एंजॉय करता हूँ। फिर बाद में जब अलग अलग स्टेट का भी परेड होता है, वो देखने को और भी मजा आता है। सो मैं आज कुछ अलग करने के लिए सोच रहा था। हैदराबाद में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लैग है जो हुसैन सागर के पास है, मैं वहां पे जाके उसका होस्टिंग रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन कल रात को थोड़ा सोने को लेट हो गया था, सो उठ नहीं पाया, तो जा नहीं पाया। लेकिन दिल को बहुत बुरा लग रहा है कि क्यों नहीं गया करके। अभी जाके मतलब नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी टाइम 10 o'clock के आसपास होने, 10 o'clock हो गया है। सो फ्लैग होस्टिंग तो हो गया होगा ऑलरेडी। सो आपको मैं दिखाऊंगा कि कल रात को मैंने पूरा चार्ज किया, यहाँ पे गिम्बल चार्ज किया, यहाँ पे एक्शन कैमरा दोनों को चार्ज किया, ये कैमरा को भी, बैटरी इसका चार्ज किया, सब कुछ रेडी किया जाने को कि सुबह जाके फ्लैग होस्टिंग का वीडियो मैं अच्छे से लूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली प्लान नहीं हो पाया है, बहुत बुरा लग रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। आगे से ध्यान रखूंगा कि जो भी प्लान बने उसको मैं करूं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे खुद के ऊपर। सो कपड़े कुछ था जो धुलना था, मैं उसको धोया और अभी सुखाया। सो फिलहाल हो गया वर्कआउट करने का टाइम,
सो मैं वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट काफी डिस्टर्बेंस होके है मेरा, एक एक दिन अल्टरनेट डे में कर रहा हूँ, सो आज मैं कर लेता हूँ। हुसैन सागर के पास जो बड़ा फ्लैग है आपको मैं दिखा नहीं पाया, आज मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैं वर्कआउट करता तब तक आपको मैं उधर का वो बड़ा फ्लैग है ना आपको उसका वीडियोस कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, और आप देखिए कितना बड़ा फ्लैग है यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा। सो ये है हमारे इंडिया के सबसे बड़े फ्लैग, और ये जो है 88 मीटर के ऊपर वो लहरा रहा है, और इसका जो साइज है वो 108x72 फीट है, लेंथ में 108 एंड वाइड्थ में 72 फीट है, बहुत ही बड़ा है भाई, और इसका जो वेट है 60 kg है। अभी जस्ट नहा के आया, वर्कआउट हो गया, नहा लिया अच्छे से एकदम मस्त मस्त गर्म पानी से, और गर्म पानी, अरे गर्म पानी ऑटोमेटिक, गर्मी इतना हो रहा है कि टंकी से गर्म पानी निकल रहा है, मैं गर्म करके नहीं नहाया, गर्म पानी ऑटोमेटिकली भगवान की दुआ से, नेचर की कृपा से गर्म पानी टंकी में ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको लेके नहा लिया बस। और अभी भाई खाना बनाएंगे, सो क्या खाना बनाना है देखना पड़ेगा, क्या सब्जी है क्या है, अभी भाई अकेले जिंदगी है तो अकेले सब कुछ करना पड़ेगा, और आज 26 जनवरी है फिर भी आई हैव टू गो माई ऑफिस, सो टाइम कितना हुआ देखा ही नहीं मैं, फटाफट खाना बना दे भाई, खाना बना दे। सो ये मेथी और ये बैंगन बहुत सारा बैंगन है घर पे, तो बैंगन आलू उसमें थोड़ा अजवाइन डाल के वो एक सब्जी बनाएंगे, और मेथी का भाजी बना देंगे, जितना आता है उतना बना के खा लेंगे। आलू बैंगन एंड सब्जी बन रहा है, तो बैंगन आलू एंड अजवाइन वो सब्जी बन रहा है वहां पे, बस एक सीटी काफी बंद कर देता हूँ। 15-20 दिन हो गया डब्बे में रखी है सुंगो, और मैक्सिमम ताजा ही है, और मैं जैसे नीचे निकालते गया तो उसमें जो भी मॉइस्चर लगे थे ना वो पूरा आइस हो गया था पूरा। पेशेंस चाहिए पेशेंस, इसीलिए गा रहा था गाना में कदम कदम बढ़ाए खुशी के गीत गाए। ये डोसा बन रहा है, ये मैं लेके जाऊंगा टिफिन में रात के डिनर के लिए, ऑफिस को लेके जाऊंगा, आज बहुत दिन के बाद राइस खाऊंगा मैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। एक बेशरम कबूतर है वो जाके दूसरे के बाथरूम के जो खिड़की है ना उधर बैठा हुआ है, मैं जब बाहर आपको दिखाने के लिए जाता हूँ ना वो अंदर छुप जाता है, आपको धीरे से दिखाता हूँ। बेशरम बैठा है अंदर, कबूतर बेशरम चल निकल। तो चलो भाई खाना हो गया तैयार, और अभी इधर खाना रख भी दिया है, तो चलो खा लेते हैं, अभी टाइम भी हो गया, बाप रे बाप मेरा टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया। ये थोड़ा डोसा, ये यार सीधा खड़ा रहे ना सीधा रहे भाई, संभालो आप थोड़ा गलत मत समझो, ये मेथी की भाजी, ये आलू बैंगन और क्या बोलते है अजवाइन डाल के सब्जी है, आज राइस खा रहा हूँ 15 दिन के बाद, ये थोड़ा मिक्सचर खा रहा हूँ, तो फटाफट खा लेता हूँ क्योंकि हो गया ऑफिस का टाइम। सो हेलो गाइस, अब
अभी जस्ट ऑफिस से आ रहा हूँ, आप देख रहे हो। टाइम हो गया करीबन 11 o'clock, पता नहीं आज कुछ खाया हूँ मैं डिनर के टाइम पे। मैं तो मेरा टिफिन तो लेके गया था ऑब्वियसली, और अपने साथ जो बंदे थे ना उसका एक चटनी खाया मैं, बहुत मिर्ची का चटनी। मेरा पेट है ना पूरा जल रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मेरा पेट जल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ठंडा कूल दूध पी लूं, बट काफी टाइम मैंने ऐसा फील किया कि अभी लास्ट 3 to 4 days मैं ना रात को था दूध पी लेता हूँ, दूध के साथ कॉफी डाल के पीता हूँ, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नींद बहुत आ रहा है। सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, सुबह 8 बज जाता है फिर भी उठने को ही मन नहीं कर रहा है, और रात को ज्यादातर मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ सिस्टम में। तो रात को मैं करीबन पहले 2-3 बजे तक बैठता था, अभी 12:30 और 1 बजे तक बैठता हूँ ना, और इतना नींद आता है मैं आगे सो जाता हूँ, और सुबह 8 बजे नींद ही नहीं खुलता। सो पेट तो जल रहा है लेकिन पानी पी लेता हूँ, और कुछ जा रहा ही नहीं है। चलो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। सो बात एक्चुअली है ना चटनी की बात नहीं थी, चटनी ये लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। आप साउथ में आओगे ना, साउथ में ये लोग जैसा चटनी बनाते हैं ना, और मुझे नहीं लगता और कोई ये सब बना पाएगा, क्योंकि ये लोग चटनी में बहुत सारा वेराइटी बनाते हैं और डिफरेंट टाइप चटनी बनाते हैं। सो चटनी का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था मेरा, क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसा चटनी, ऐसा मिर्ची, ऐसा मसाला तीखा ऐसा हम लोग खाते नहीं है, और वो चटनी इतना टेस्टी था ना आप मना भी नहीं कर सकते हो। सो चटनी खाया और पेट खराब किया। हाँ मैं कॉफी लेके आता हूँ। और कॉफी मैं अच्छा बना लेता हूँ, ब्लैक कॉफी है। सो अभी वीडियो एडिटिंग करते करते अभी मुझे याद आया, जब एयरपोर्ट से इधर आ रहा था, हैदराबाद आ रहा था, तो मैंने अच्छा फायदा उठाया मेरा एक क्रेडिट कार्ड का। मुझे क्रेडिट कार्ड में मुझे फ्री लॉन्च था, जो एयरपोर्ट में फ्री लॉन्च देता था ना वो मुझे अवेलेबल था। जब कभी मैंने पहले मुझे पता था कि फ्री है, पर उसको कैसे एक्सेस करते है मुझे पता नहीं था, वो इस बार मैंने एक्सेस किया और फ्री लंच किया था भाई साहब। जहाँ की आपको एयरपोर्ट में एक समोसा 50 रुपीज, एक डोसा 250 रुपीज, 250 रुपीज सोचो, यहाँ पे बाहर यहाँ पे आपको 25 रुपीज में मिलेगा, और वहां पे उसका 10 गुना मतलब 250 रुपीज एक डोसा। बट मैं वहां पे फ्री लॉन्च किया। सो चलो आप लोगों को अभी गुड नाइट बोलता हूँ, और मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ये ब्लॉग को पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि रिपब्लिक डे का वीडियो जो है एक दिन पुराना तो आता ही है, मकर संक्रांति 2 दिन पुराना होके आया था। सो क्योंकि जो मैंने वो दिन को जैसे मैंने स्पेंड किया वो दिन को ही दिखाऊंगा ना मैं, आगे पहले बोल दूंगा तो कैसे फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कैसे स्पेंड किया वो दिन। सो आज कुछ खास नहीं था, खास बनाने के लिए सोचा था लेकिन हो नहीं पाया ड्यू टू माई लेजीनेस, सॉरी टू माई व्यूअर्स। बट अगली बार पक्का अच्छा वीडियो आएगा, आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, ये मेरा कोशिश रहेगा आज के बाद से। तो चलो भाई आप सो जाओ और मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। सो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज कर दीजिए, ताकि आगे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले और आपको पहले मिल जाए। सो चलो बाय, गुड नाइट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।